अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी ज़मीनों पे आए हैं, तो यहाँ पर लहसुन हमारा पक चुका है, तो उसे आज काटेंगे, यहाँ से खरीदेंगे और फिर घर लेके जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। लहसुन काफ़ी खुश्क है, तो इसीलिए इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लहसुन को रंबे की मदद से अब हम इसे निकालेंगे। थोड़ी सी मेहनत लग रही है। पानी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अगर पानी लगाते तो ये ख़राब हो जाता, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसे निकाल लेंगे। तो अब आ जाएगी अम्मी की बारी। तो अम्मी कर रही हैं क्योंकि काफ़ी क्यारियाँ हैं लहसुन की, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। तो सुबह का मौसम था तो हमने सोचा कि जल्दी से ये काम कर आते हैं, तो इसलिए हम आ गए ज़मीनों पर। तो अब आसपास का भी व्यूज़ आपको दिखाएंगे। तो लहसुन के जब पक जाता है तो इसके साथ ही दूसरी फसलें भी तैयार हो जाती हैं, जैसा कि गंदम की फसल, वो भी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और कटाई के काबिल हो चुकी है। मतलब दो कुछ दिनों में उसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए सारा लहसुन है जो मैं आसपास आपको दिखाया है। ये देखिए गंदम की फसल माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। ये सारा लहसुन है, साथ में सौंफ भी खड़ी है, वो भी अभी पकने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, आपको पास से दिखाते हैं ज़मीन कितनी खुश्क है, तो इसलिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो